चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत नगर पालिका चुनाव के दौरान 28 जनवरी 2021 को गोदावत रमनलाल ओबरी की 28 जनवरी की सुबह मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र पानु कुमार जैन, कमल कुमार जैन और दिलीप कुमार जैन, जिन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर मतदान की महत्वता को और लोकतंत्र की अहमियत को देखते हुए नगरपालिका सागवाड़ा चुनाव के दौरान 1:30 पर मतदान बूथ पर जाकर मतदान किया। इस बात से प्रभावित उपखंड अधिकारी राजीव त्रिवेदी और तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा सागवाड़ा ने उनके निवास स्थान पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा जाकर उनके पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मतदान का सम्मान करते हुए गोदावत परिवार के द्वारा इस दुखद घड़ी के दौरान लोकतंत्र और मतदान की अहमियत को समझते हुए मतदान करने से वे काफी प्रभावित होकर गोदावत परिवार के पानु कुमार जैन, कमल कुमार जैन, दिलीप कुमार जैन, उनके पुत्र दीक्षांत, गुंजन, प्रेम, पुत्री आयुषी, नेहल, दामिनी, पूजा और बहू दीपिका, विजयलक्ष्मी, मीना, सुरजता, सिद्धि और उनकी माता शांति देवी का स्वागत और सम्मान करते हैं। इस अवसर पर कमल कुमार जैन ने बताया कि हमारे पिताजी एक समाजसेवी थे और उन्हीं के दिए हुए संस्कारों को अपनाते हुए हमने आज अपना फर्ज अदा किया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर रमनलाल जी गोदावत के परिवार में आए हैं, जिनका अभी जिस दिन हमारे यहाँ पर मतदान था 28 तारीख को, उसी दिन उनका देहावसान हो गया। और आज विशेष रूप से हम उनके परिवार का एक विशेष कारण से सम्मान करने के लिए आए हैं। भानु कुमार जी और कमल जी उनके सुपुत्र हैं और हम इनका सम्मान इस बात के लिए कर रहे हैं कि जिस दिन उनका निधन हुआ उसी दिन आपने लोकतंत्र की और जो मतदान की जो उपयोगिता है उसको समझते हुए अपने पूरे परिवार के साथ में जाकर के और मतदान किया। एक किसी भी व्यक्ति के लिए जिस दिन घर में निधन हुआ उस दिन मतदान नहीं करने का एक बहुत बड़ा बहाना हो सकता है ये, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने पिताजी के जो संस्कार थे, अपने उनके पिताजी का राजनीतिक जीवन भी रहा है, तो उन्होंने अपने पिताजी के संस्कारों की को ध्यान में रखते हुए और लोकतंत्र के प्रति जो आस्था जताई है उसके लिए मैं रिटर्निंग अधिकारी के रूप में और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में इनका बहुत जो सम्मान करता हूँ और इनके पूरे परिवार का आज हमने यहाँ पर उपस्थित होकर के और सम्मान किया। आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात भी आपने मतदान किया है, मतदान की जो अहमियत है उसको समझते हुए आपने जो मतदान किया, तो सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर उपखंड अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और तहसीलदार साहब यहाँ पर आपके घर पर आए थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर, इसको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे पिताजी के संस्कार हम में रहे थे, रमनलाल जी गोदावत जो उबरी गांव से हैं और उन्होंने पूरा जीवन सब तरह से अपने गांव की सेवा में लगाया था, चाहे किसी जाति पंथ किसी तरह से वो नहीं थे पर पूरे गांव का वो कल्याण चाहते थे, तो वही संस्कार हम में भी रहे और जब तक वो ठीक थे तब भी वो यही कहते थे कि कभी भी ऐसा भी काम हो मतदान जरूर करना, ये वोट है वही सबसे बड़ा अपना अधिकार है, ऐसा बताते थे वो। और उसी का हमने समझ करके उस दिन काफ़ी दुख की घड़ी थी पर हमने अपना कर्तव्य का पालन करने के हिसाब से ये काम किया और हमको काफ़ी खुशी है। और साहब ने और जो भी यहाँ पधारे साहब, उन्होंने अपना हमारा स्वागत किया, तो ये भी हम एक तरह से उनका आभार मान रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? कमल कुमार जैन। हाँ, मेरा नाम भानु कुमार है। ये पापा के हमारे 28 तारीख को ही निधन हो गया था, पर आज रेडी दिनेश भाई या दिनेश जी साहब और नीलेश जी संघवी साहब ने हमको ऐसे बताया कि भाई आप चलो वोटिंग करने के लिए जाना हमने को, और उनकी प्रेरणा से हम लोग वोटिंग करने के लिए गए और पापा भी हमारे इस काफ़ी राजनीतिक से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी हमको यही प्रेरणा दी थी कि अपना अधिकार है उसका अपने को पूरा उपयोग करना है और हम वहाँ पहुँचे उस दिन। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।